क्वेश्चन नंबर थ्री इफ साइन एक्वल टू थ्री बाई फोर कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ए यहाँ रखेंगे क्योंकि एंगल ए यहाँ गिवन है ना उसको नीचे रखेंगे नीचे रखने से क्या होगा ये साइड बेस बन जाएगी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अब यहाँ पे देखो बाकी यहाँ ए रखो बाकी यहाँ पे तुम बी सी रखो क्यू आर रखो फिर रखनी पड़ता है ये बी कर दिया ये सी कर दिया है क्योंकि तो यहाँ सारे एंगल हमें ए ही फाइंड करने हैं ए की रिस्पेक्ट में ही फाइंड करने हैं सारे डिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें साइन ए गिवन है साइन ए इज इक्वल टू थ्री बाई फोर जब हम रेशो फाइंड करते हैं मान लो ये थर्टी बाई फोर्टी होता तब भी तो थ्री बाई फोर ही आता रेशो तो इसीलिए हम मान लेते हैं कोई नंबर था इनमें जो कॉमन था ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिटर में कट गया इसीलिए हम इसे लेते हैं दिस इक्वल टू थ्री के अपॉन फोर के के इज एनी ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट तो देखो साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाईप्रेडनिस तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में अगर देखें परपेंडिकुलर होगा बी सी हमारा तो बी सी हो जाएगा थ्री के और हाइप्रेडनेस हो जाएगा फोर के ये हो जाएगा अब ये थर्ड जो मिसिंग साइड इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस तो यहां पाइथागोरस लगाएंगे हम बाई पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी हमें पता है ए सी इज फोर के फोर के स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए बी मिसिंग है और बी सी थ्री के है थ्री के स्क्वायर ए बी को एक तरफ रखते हैं यहीं पे ही राइट हैंड साइड ही और इस थ्री के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हैं, देखो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन के स्क्वायर माइनस इस थ्री के का स्क्वायर करेंगे तो नाइन के स्क्वायर इधर जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर इस तरह हम यहाँ से ए बी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन के स्क्वायर सो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट सेवन के स्क्वायर दैट इज रूट सेवन एंड के तो ये जो थर्ड साइड मिसिंग थी हमारी ये थर्ड साइड आ गई रूट सेवन के अब देखो तीनों साइड पता है हमें ट्राइंगल की हम कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं तो हमें फाइंड क्या करना है कॉस ए कॉस ए इक्वल टू कॉस ए होता है बेस अपन हाइपोटोनिस तो देखो बेस यहाँ क्या होगा ए बी और हाइपोटोनिस है ए सी ए सी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं ए बी हमारा रूट सेवन के और ए सी है फोर के के कैंसिल हो जाएंगे इसलिए हम रूट सेवन बाई फोर इसका आंसर ले लेंगे और सेम ऐसे ही हमें फ़ाइंड करना है लास्ट क्या है टेन ए देखो टेन ए अगर फाइंड करते हैं हम टेन ए इक्वल टू टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हमारा थ्री के है थ्री के और बेस है रूट सेवन के रूट सेवन के 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 यहाँ भी कैंसिल जाएंगे थ्री अपॉन रूट सेवन तो ये दोनों के वैल्यूज आ गई